इसी तरह से चलता है। आप लोगों को जो इन्विटेशन भेजा गया उसको पढ़कर आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि हम लोग आज ही के दिन, ये समझ लीजिए हमारा जो कैंपेन हम एक शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट फॉर ऑल, उस सिलसिले की आज ये पहली मीटिंग हमने बुलाई है। और उस पहली मीटिंग में हमने ये कोशिश की कि सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहली बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जर्नलिस्ट हजरात हैं, कॉलम लिखने वाले लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बातचीत की चर्चा की शुरुआत की, क्योंकि ये वो लोग हैं, हमें लगता है ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे अगर बातचीत शुरू की जाए और पॉजिटिव मोड पे शुरू की जाए और उसके पॉजिटिव आउटकम लाया जाए, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ इस कैंपेन में बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क में हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो आप सब लोगों ने हमारा जो है दावतनामा कबूल किया, इसके लिए हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट यूसुफ अफगानी साहब हैं, जो इस्लाम जिमखाना जहां हम सब लोग आज यहां बैठे हुए हैं उसके चेयरमैन हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स माडा चेयरमैन हैं। और ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन हम लोगों ने यहां पर शुरू करने की कोशिश की है, ये उनका कहीं ना कहीं ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने जो है कम्युनिटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और हम जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा किया और उनके सामने ये बात रखी कि हम लोगों कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का प्रोग्राम करने की जरूरत है जिससे रीच आउट किया जाए, जिससे लोगों को बातचीत की जाए, शुरू की जाए, जिससे जो है प्रॉफिट के की लाइफ की जो टीचिंग के बारे में, जो लाइफ है पूरी उसके बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बातचीत की जाए, चर्चा को बढ़ाया जाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने जो है पूरे बॉम्बे शहर के कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को जमा किया, जिसमें हमारे तमाम साथी यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद है। उसमें से सईद खान साहब हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। फारूक सैयद साहब को आप देख सकते हैं स्टेज पर, जो खासतौर पर एक हमारा गुलबूटे मैगजीन है वो चलाते हैं और स्कूल्स और कॉलेज के साथ बहुत बड़ी तादाद में एसोसिएटेड हैं। जावेद जमालुद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। वजीउद्दीन साहब हैं, दानिश रियाज साहब हैं, यंग फ्रेंड अली भोजानी जिसने बहुत आप सब लोगों से बात की, ऐसे सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रोग्राम क्या है, क्यों शुरू किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब एडवोकेट यूसुफ अफगानी साहब से कि वो आए और वो अपनी बातें रखें और आप लोग समझाएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पहुंचे हमारे बीच, और आपको देख के थोड़ा हमारी हिम्मत और बढ़ भी चुकी है कि जो मकसद को हम लेके आगे बढ़े हैं उसमें हम कुछ कामयाबी मिल सकती है हमको। तो सर बात शुरू इस तरह हुई कि पिछली ईद जो गई, ईद का जो दिन था उस दिन हमने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा जिसमें एक हिंदू लड़का मोटरबाइक पर बैठा है और मस्जिद के बाहर बैठा है, मस्जिद के बाहर। तो उसने पुलिस ने आके पूछा कि आप क्या यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि माहौल का थोड़ा टेंस था। उसने कहा कि हमारे इलाके के एक मुस्लिम बुजुर्ग है, उस पर नमाज पढ़नी थी तो मैं उनको लेके आया हूँ और नमाज पढ़ के उनको मैं लेके जाऊंगा। तो बड़ा प्यारा मैसेज था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा लगा हमको। फिर जो कोरोना काल का जो मामला था उसमें हमने देखा कि एक हिंदू महिला की या एक दलित महिला की डेथ हो गई, तो चार मुसलमानों ने उसके अर्थी को कांधा दिया, उसको जाके उनका क्रिमिनेशन के लिए उनको मदद की। तो हमने महसूस किया कि 99% लोग सिक्युलर है हिंदुस्तान के अंदर, हमारा देश ही सिक्युलर है। ये जो माहौल 1% जो लोग हैं उन्होंने इस तरफ या उस तरफ कहीं भी हो उन्होंने माहौल खराब किया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिर किसी एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कहा कि इस्लाम के ताल्लुक से और प्रॉफिट के ताल्लुक से बहुत सारी मिसगिविंग्स है लोगों में, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसकी वजह ये भी है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि उनसे बात करो और रियल टीचिंग क्या है इस्लाम की और रियल इस्लाम क्या है वो आप बताइए उनको। तो देखिए मैं आपको सिर्फ जो मैंने अभी इंटरव्यू में कहा वो यही है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, उसका मीनिंग है ये कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। अब पड़ोसी लिखा है उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पड़ोसी चाहे किसी कौम का हो, मेरा फर्ज बनता है कि जब तक वो खाना नहीं खाता मुझे खाना खाना अलाउड नहीं है। मतलब ये कि मैं जाके खाना पहुंचा उसकी बारी की, यहां तक है कि अगर आपके घर में कुछ पक रहा है उसकी खुशबू जा रही है पड़ोसी को, वो खुशबू से उसका उसको भूख लगती है, उसकी भूख बढ़ती है और वो भूखा रहता तो आप गुनहगार हो। इतनी बारीक बात है, कितनी प्यारी बात है। फिर एक और हदीस का मफहूम ये है कि अगर आपके दर पे
घर पे मतलब घर पे या ऑफिस पे कोई इंसान पहुंचा है किसी मदद के लिए, किसी हाजत के लिए, तो आपको अगर हैसियत है तो उसकी मदद करना आप पे फर्ज है। वो चाहे किसी भी कौम का हो, वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका फर्ज बनता है उसकी हेल्प करना। अब जब हमने देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद जो माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं जो गलतफहमियां उसकी जिम्मेदारी हम पर आती है कि हम वो गलतफहमियां दूर करें। तो हमने हमारे कुछ साथियों से बात की कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जो सेइंग्स हैं वो निकालो जिसमें सोशल मैसेजेस काफी है। देखिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज मुझ पर लागू है, ये बाकी कौम पे लागू नहीं है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सबको अपील करेगी, सबको खुश, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सारी हदीसें तो यहाँ भी सब लिखी हुई है आपके सामने। तो ऐसी 100 सेइंग्स है उनकी जो हमने निकाली है, जो हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर कौम के लोग तक ये पहुंचे। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको मालूम है कि प्रॉफिट के बारे में बहुत सारे नॉन मुस्लिम पोएट्स ने, बहुत सारे नॉन मुस्लिम शायरों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी है। तो कम से कम उनकी उन बातों को आगे लाया जाए कि देखिए आपके ये फला बुजुर्ग थे, इन्होंने प्रॉफिट के बारे में ये बातें कही है, उनकी तारीफ में, उनकी शान में कसीदे पढ़े हैं, तो ये भी आप तक पहुंचे। मेन मकसद क्या है कि जो नफरत है उसको दूर करना है। मेन मकसद है कि हम फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपको हमारे घर में दावत देना चाहते हैं, आप आइए। देखिए, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दलित दोस्त हैं, 50-60 साल साथ में हम लोग रहे हैं, कोई नाराजगी कभी हुई नहीं, कोई झगड़ा कभी हुआ नहीं, कोई डिस्प्यूट कभी हुआ नहीं, तो ये देश में ये क्यों हो रहा है? हम लोग आजादी की बात करें तो आजादी में जितना बाकी लोगों ने साथ कुर्बानी दी उतनी हमारी कौम ने कुर्बानी दी है। ये जो नारे हमारे सामने, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, या जो तराना हमारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जो अशफाक उल्ला बिस्मिल की बातें हैं, जो आजादी के जो हमारे सिपाही थे वो हर कौम के थे। तो हम देखिए, जब साथ में आजादी मिली है, साथ में लड़के आजादी हासिल की है, तो आज हमारे बीच में नाराजगी, गुस्सा क्यों है? इसको कम करने की जिम्मेदारी दोनों की बनती है, मेरी बनती है, उनकी बनती है। तो हम लोग सब साथ में मिलकर आए और हमारा देश इतनी सारी कौमों को साथ में लेकर इतना आगे बढ़ा है, तो उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। ये एक सेंट्रल आइडिया था, सिंपल था कि प्यार मोहब्बत की बातें करो, गुस्सा कम करो, नफरत कम करो, साथ में काम करो। और दूसरा ये भी है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, मुसलमान बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, उसको पीछे रख के देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसको साथ में लेके चलो, उसको भी आगे बढ़ाइए, तो ये अच्छा माहौल पैदा होगा। ये सेंट्रल आइडिया ये है। अब हमने इस आइडिया को, इस बात को हासिल करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं, तो दो बात तो आपसे आपने कर दी कि एक मुशायरा हमने किया है जिसको सुनने वाले भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहेंगे और पढ़ने वाले भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहेंगे। फिर दूसरा कैलीग्राफी शो है, कैलीग्राफी कि कैलीग्राफी शो में कैसे कैलीग्राफी होती है, वो ये आर्ट कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया, वो कितना खूबसूरत है, उसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान से जो अच्छे अच्छे कैलीग्राफर जो बनाते हैं उनको बुलाया है, उसका भी मतलब एग्जीबिशन है। और हम लोग जिस दिन प्रॉफिट का बर्थडे है उस दिन हमने हर इलाके में डॉक्टर से कहा है कि आप इलाज फ्री कीजिए, दवा फ्री बांटिए, खाना फ्री बांटिए, ये संस्था को कहा गया है। आप हॉस्पिटल जाइए, ऑर्फनेज में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, इस तरह आप सब जगह फैलोगे, सबसे प्यार मोहब्बत की बातें करोगे। तो जैसा कि हमारे एक साथी ने फोन कर कहा कि ई वार्ड में कम से कम 300 क्रमण सफाई कामगार है, उसको खाना मैं खिलाऊंगा। किसी ने कहा कि फलाना जगह ओल्ड एज होम है, वहां खाना मैं पहुंचाऊंगा। तो इस तरह पूरे बॉम्बे में अलग अलग संस्थाओं ने ये काम ले लिया अपने हाथ में, तो ये इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हमको उम्मीद है। और बाकी दिन पे दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे, काफी एनजीओ, हमने एक मीटिंग यहाँ ली, 200 एनजीओ आए थे, 200 एनजीओ आए थे, उन्होंने वीरा रोड से लेके थाना से लेके पूरा बॉम्बे कि हम लोग यहाँ बहुत सारे एक्टिविटी करने वाले, मेडिकल कैंप लगने वाले हैं, लंगर लगने वाला है। तो ये करीब आने का, भाईचारा पैदा करने का, नाराजगी दूर करने का तरीका हमने डिजाइन किया है। और सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि इस पूरे इवेंट का या पूरे पूरा मकसद जो है उसमें कोई नेगेटिविटी कहीं से नहीं आए। हमारा मकसद बड़ा नेक, बड़ा प्यारा मकसद है। हम चाहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब साथ में रहें, इस देश में जो माहौल बिगड़ रहा है वो भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें। और शायद उन्होंने आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने कोशिश शुरू भी कर दी है, मस्जिद गए थे, मदरसा गए थे, तो वो तो बहुत बड़े आदमी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हमने हमारे ये काम को शुरू किया है ताकि हमारी बात भी लोगों तक पहुंचे कि हम भी यही चाहते हैं कि देश का माहौल अच्छा रहे।
शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए कि इस मुहिम की शुरुआत हम सब ने मिलकर किस तरह की और आगे इसको कैसे ले जाएंगे। इसके पहले कि इस कैंपेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत डिटेल के साथ हम बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पहले की जब बात इस डिटेल्स पर पहुंचे, हमने एक छोटा सा एक जो है कोशिश की है कि जहां भी हम इस तरह की गैदरिंग करें आने वाले 10-12 दिनों में हमारे कैंपेन के दौरान और इवन आफ्टर द कैंपेन, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट की जीवनी जो है, उनकी जो पूरी लाइफ है, उसके बारे में लोगों के सामने कुछ बातें रखी जाए, उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया जाए कि उन्होंने आज से 1400-1500 साल पहले किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी और किस तरह से एक छोटे से रेगिस्तान से एक मैसेज फ्लोट किया जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में आज भी पाए जाते हैं। तो कुछ तो बात उसमें रही होगी, कोई तो मैसेज उसमें है। हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि ये जो है बात प्रीचिंग में जाए, लेकिन चूंकि हमारे दोस्तों को, साथियों को, हमारे साथ मिलने जुलने वालों को ये हमारी कमी है कि हमने कभी जो है उनका जो है सोशल लाइफ, उनकी जिंदगी है ना, कैसे वो रहते थे वो हम बता नहीं पाए। तो हमने कोशिश की कम से कम कुछ बातें उसकी जो है आप लोगों के सामने पेश की जाए। और ये मैसेज क्यों रिलेवेंट है, वो चूंकि आज भी लाइफ है, आज भी फैमिली है, आज भी नेबर्स हैं, आज भी हमारे साथ बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता है, आज भी बूढ़े माँ बाप के साथ गलत होता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आज भी हम लोगों को एक रास्ता दिखा सकते हैं और एक दूसरे को करीब लाने का एक जरिया बन सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हो गुजरे हैं किसी मजहब के, उन्होंने हमेशा से यही पैगाम देने की कोशिश की है कि हम साथ रहें, अमन से रहें, शांति से रहें और गुड वैल्यूज की, अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करें, अच्छे मैसेजेस की प्रैक्टिस करें। हमारे साथ हमारे साथी अजीज दोस्त सईद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जो है डिटेल में कुछ उन बातों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। आप लोगों को बातें समझ मालूम भी हैं, समझ भी आएगी इंशाल्लाह। अगर आप सब लोगों ने मिलकर हमारा साथ दिया तो आप यकीन मानिए इस पूरे कैंपेन को, इस पूरे काम को हम जो है पूरे पूरे मुल्क में ले जा पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू खान साहब। Dear friends, Assalamu alaikum. ये कैंपेन बहुत क्लियर कट किसी इस्लाम की प्रीचिंग का कैंपेन नहीं है। ये कैंपेन एज अ कम्युनिटी और एज अ मुस्लिम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट जिस शख्स के बारे में पूरी दुनिया बात करती है, पॉजिटिव करती हो या नेगेटिव करती हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका एक ब्राइटर पिक्चर आपके सामने पेश करें। और हमने अलग अलग सेगमेंट्स में बातें करने के लिए रखा है। आज की यह नशिश इंडिया की रूह को समझने वाले, इंडिया के स्पिरिट को समझने वाले, इंडिया को समझने वाले राइटर्स और जर्नलिस्ट को बुला के आने आज ये कोशिश की है। आप तमाम वो लोग हैं जो इंडिया का पर्स समझते हैं, आप तमाम वो लोग हैं जो नेशन बिल्डिंग के लिए अपने पैन से कम्युनिटीज को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो ये बात महसूस की गई कि मीडिया के लोगों के साथ इन जनरल कम्युनिटी का इंटरेक्शन नहीं है। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम मीडिया के साथ जनरली नहीं बैठ पाते, हम लोगों का जो भी इंटरेक्शन होता है वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर कमेंट, रिएक्शंस लेने और देने से ज्यादा नहीं हो पाता। हम लोग मीडिया के फ्रेंड्स रखते हैं, अक्सर मीडिया के फ्रेंड्स बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं, तो इस बात का अंदाजा लगता है कि बहुत लीस्ट इन्फॉर्म है खुद इस्लाम के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी और प्रॉफिट के भी बारे में। जबकि जिस तरह का पेन है और जिस तरह का स्टेटस है मीडिया के उन बड़े लोगों का, उनको कम से कम इतना ब्रीफ रख लेना चाहिए कि प्रॉफिट क्या थे, इस्लाम क्या है और एज अ होल मुस्लिम जनरल कम्युनिटी क्या है। आज मैं आपके सामने प्रॉफिट की कुछ ग्लिम्पसेस रखना चाहता हूँ, आपकी पूरी हिस्ट्री बता देना पॉसिबल भी नहीं है और वो मकसद भी नहीं। मकसद ये है कि एक लाइट से इंट्रोडक्शन आपके सामने हो कि पूरी दुनिया में इतने चाहने वाले
इतने मानने वाले एक एक वर्ड्स को अपनी लाइफ में डालकर प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं, जो मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, वो मोहम्मद साहब थे। साथियों, बहुत छोटे छोटे ग्लिम्पसेस में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप जब पैदा हुए तो ये आप दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले ही आपके फादर ही दुनिया से चले गए। वो पहले ही यतीम थे, ऑर्फन थे बिफोर बर्थ। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत यंग ही थे, 4-5 साल ही के थे। आपकी मम्मी भी जो है इस दुनिया से चली जाती है। उर्दू में उसके लिए एक वर्ड है, क्योंकि आप लोग अच्छे समझदार होते हैं, थुर्री यतीम, यानी ऑफरिंग फ्रॉम बोथ साइड। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं वालिद होता है, मां होती नहीं है, एग्जैक्ट होता है, लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि ये दोनों के दोनों लोग आपकी जिंदगी में नहीं थे और आपके चाचा ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आप एज के 40 इयर्स तक शेफर्ड भी रहे और एक अच्छे बिजनेसमैन रहे, और आपने अभी इस्लाम आया भी नहीं था, या उनको इस्लाम को प्रीच करने की ड्यूटी हमारे रिलीजन के मुताबिक अल्लाह ताला ने दी भी नहीं थी, कि आपने ऑन द एट द एज ऑफ 25 एक 40 इयर्स की विडो से शादी की। He was just 25 years old, और विडो मैरिजेस अरबों में भी उतनी ही बुरी मानी जाती थी जितनी अभी तक हिंदुस्तान में भी मानी जाती है। तो प्रॉफिट ने उस जमाने में विडो मैरिजेस के उस क्या कहना चाहिए, जो रोक लगी थी या सोच पे रोक लगी थी, उसको छोड़ा। और आप उस वक्त भी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट नहीं थे, वो जस्ट कॉमन अरबी मैन, 25 इयर्स ओल्ड आदमी एक 40 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी करके समाज में विडो मैरिजेस के उस बंधन को तोड़ता है। उसके बाद आपकी लाइफ अपनी जो है वो डेली, जैसे हम लोग रहते रहते हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, और जो है वो सारी वो कॉमन एक्टिविटीज कर रहे हैं जो एक आदमी करता है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जाते हैं और स्पिरिचुअल और डिवाइन गाइडेंस की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि जो हमारा बिलीव है कि एट द एज ऑफ 40 एकदम वो डिवाइन ऑर्डर जो है अल्लाह ताला आपको दे देता है। हमारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म और इस्लाम, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये इब्राहिमिक रिलीजन कहलाता है, और हम लोगों के टैक्सेस या हमारी रिलीजियस हिस्ट्री तकरीबन एक जैसी है, फ्रॉम एडम फिर इब्राहिम, फिर इब्राहिम के बाद हमारे यहाँ एक आपस में लेकिन ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। तो इन तमाम के बारे में ये बात कही जाती है कि जिब्राइल, जिसको हम लोग गैब्रियल कहते हैं, वो आते हैं और वो मैसेज रिवील करते हैं कि आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको चुन लिया है कि आप अब लास्ट टेस्टामेंट कम्युनिटी में ह्यूमैनिटी को दें। मैं छोटे छोटे वाक्य बताऊंगा, इसके बाद मैं कुछ और बातें कह दूंगा कि जब ये बात आप आकर घर में कहते हैं कि आई वाज इन दारे हिरा, एक दार होता है केव, उसमें मैं जब अल्लाह की इबादत कर रहा था, मुझे जिब्रील आए और उन्होंने मुझसे कहा इकरा बिस्मे अल्लज़ी खलक, जो सारी आयतें हम जानते हैं कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। तो ही वाज बिट कंफ्यूज्ड कि क्या हो गया है, कि क्या हुआ, क्या था ये पूरा इवेंट। उन्होंने आकर अपनी उस वाइफ जिससे उन्होंने शादी की थी, जिन्होंने खदीजा खदीजा कहते हैं, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है आज और ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कि जिब्राइल आए थे और ऐसा ऐसा सारा कहा। जिसके लिए मैंने बात पूरी की वो कोर्ट के लिए कि खदीजा कहती है प्रॉफिट मोहम्मद से, पीस बी अपॉन हिम, कि तुम्हारी 40 इयर्स की लाइफ जैसी गुजरी है, फिर उनके वर्ड्स हैं कि तुम यतीमों का साथ देते हो, तुम गरीबों का ख्याल रखते हो, कोई भी जरूरतमंद तुम्हारे पास आता है, सब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास आता है तुम उसकी मदद करते हो। और जब उस जमाने में लोग
काफिले में जाते थे बिजनेस करने, तो अलग अलग डिपोज हुआ करते थे, कि जैसे यमन कोई जा रहा है आजकल, यमन सना आप जानते हैं, तो वो अगर सऊदी से जाता था तो अपना कुछ कमाया वो पैसा अपने डिपॉजिट करके जाता था, कहीं रास्ते में कोई लूट करे, फिर जाते जाते अपना, तो तुम तो वो डिपॉजिटर हो कि आने जाने वाले काफिले वाले आपके पास अपने उस जमाने के लाखों लाखों रुपए डिपॉजिट करते हैं, तुम अमीर हो, तुम पे इतना फेथ दिखाते हैं। तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के माँ खदीजा कहती हैं कि अल्लाह तुमको जाए नहीं करेगा, ये इज नॉट गोइंग टू वेस्ट यू, कुछ ऐसा हुआ है कि ये सेलेक्टेड यू। तो ये पूरी लाइफ प्रॉफिट की यहां से शुरू होती है, एक 23 इयर्स का स्ट्रगल है, और उस 23 इयर्स के स्ट्रगल में 40 इयर्स में आपको कुरान रिवील होता है कि आपको अब लास्ट टेस्टमेंट आपको पब्लिक के सामने ले जाना है और पूरा के पूरा देना है, जो हमारे बिलीफ में शामिल है, जो क्रिश्चियन बिलीफ में भी था कि उनका एक टेस्टमेंट था, वो कहते हैं वो लास्ट है। फ्रेंकली कह रहा हूं मैं सारी बातें, जो ईश कहते हैं कि हमारा टेस्टमेंट लास्ट था, मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं, कुरान इज द लास्ट टेस्टमेंट। तो उस तरह उसको ये माना जाता है कि आपको चूज किया गया और आपने जो है उन लास्ट टेस्टमेंट को पहुंचाने के लिए की पूरी एक्टिविटीज, जस्ट 23 इयर्स, 40 साल में आपको रिवील हुआ और इस दुनिया को जब छोड़ के गए तो वो 63 इयर्स ओल्ड थे, यानी जस्ट 23 इयर्स में ये पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है, जो आज तक उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी, पूरी ह्यूमैनिटी देखती है। साथियों, प्रॉफिट के बारे में हमारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, अदर फेथ के फ्रेंड्स हैं, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें उसमें जुड़ी कि लोगों को मालूम ही नहीं है। मेरा बेटा यहाँ बैठा है, ये कंप्यूटर्स है, उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी पूछते कभी कभी, अंकल क्या था, कौन थे प्रॉफिट, आप लोग किस प्रॉफिट को मानते हैं, क्या कुछ तो बता दें। तो पता चला कि हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन भी आज तक कम्युनिटी के एंगल से शेयर नहीं कर पाए, कुछ बता देते, कुछ प्रीचिंग नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी लव्स यूज कर रहा, एक कुछ तो मालूम कर देते कि भाई नहीं प्रॉफिट ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में, इस कैंपेन में प्रॉफिट की सोशल लाइफ को ही ज्यादा चुना है कि वो लाइफ जो आपकी और हमारी कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि अगर उसमें सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अगर आप ना पढ़े तो आपको लगेगा क्या मार्वेलस बात है, और फिर अगर आपने उसको और दिल से पढ़ा तब बोलेंगे प्रॉफिट ने कितनी मार्वेलस बात बोली है। ये सारी जो हमने जो चीजें यहाँ चुनी आपके सामने, वो सारी के सारी ह्यूमन लाइफ से अटैच है, ह्यूमन लाइफ से कनेक्टिविटी क्रिएट करने वाली अटैच करके रखी है। एक चीज और भी है कि प्रॉफिट के बारे में कहा जाता है कि जो जनरल परसेप्शन है कि कोई मतलब एक प्रीचर है जो पूरा ऐसा कुछ ओढ़ के चलते थे होंगे और उनके पीछे कुछ लोग चल रहे होंगे, जैसा कि हम लोग अपने धर्म गुरुओं के साथ देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। He was a very common man, he was walking in Makkah and Medina solely alone. शाम में अपनी वाइफ के पास आना, बैठना, बातें करना वेरी कॉमन नहीं था। थोड़े से इतने ज्यादा सफाई पसंद थे कि अपना कपड़ा खुद धोते थे। जो लोग साइकोलॉजी समझते हैं क्लीनिनेस की, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। He was इतने ज्यादा वो क्लीनिनेस पसंद करते थे कि कपड़ा भी खुद धोते थे। फैमिली लाइफ में हम लोग देखें कि वो घर के वो सारे काम करते थे, झाड़ू लगा देना, घर में और जो सोचे काम होते थे वो कर दिया करते थे। यानी अगर हम लोग ये भी साथ में देखें कि वो हर आदमी से कनेक्टेड थे, लव और पैशन के अलावा दूसरी चीज दी ही नहीं किसी को। आप जब प्रीचिंग आपने शुरू की उस वक्त इस्लाम की, तो बहुत सारे जोइश क्रिश्चियंस डेलीगेशन आते थे आपने, आप सबको जो आप हम लोग ग्रीन वाली मस्जिद देखते हैं, प्रॉफिट का मस्जिद नबवी हम लोग बोलते हैं, उसमें बिठाते थे, वहां खिलाते थे, वहां सुलाते थे। और कई बार तो ऐसा कहा कि तुम्हारी, अपने जुमले में कह रहा हूँ, मुंबई वाले सब लोग आप समझते हैं कि बत्ती का टाइम हो गया है, बत्ती के टाइम तुम लोग पूजा करते हो, इबादत करते हो, तो उन्होंने कहा कहाँ करें, आपने कहा यहीं कर लो, आपने कहा यहीं कर लो। तो एक ऐसा मैसेज था जो हम आज तक नहीं समझा सके, नहीं बता सके लोगों को। आप बहुत ह्यूमरस भी थे, आपकी लाइफ में अगर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमको जीवनी पढ़नी पड़ती है, इट्स पार्ट ऑफ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो हम लोग जीवनी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सा कोई शख्स है जो बिल्कुल इतना बड़ा काम कैसे कर गया। खुद एज अ मुस्लिम भी हम पढ़ के ये बात करते हैं कि इतना बड़ा काम इतना एक नॉर्मल आदमी कैसे करके चला गया।
अब इंतहाई ह्यूमरस थे, दो तीन उनके जोक्स बता दूं। एक बार एक लेडी आई बूढ़ी, वो कहने लगी कि मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं जन्नत में जाऊं। तो आपने कहा कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। तो शी स्टार्ट क्राइंग, क्या बात हुई, मैं तो दुआ कराने आई थी कि मेरे को जन्नत में जाना है। तो आपने कहा अरे बाबा जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जो भी जाएगा जवान जाएगा। वैसे कई लोगों ने कभी कहा, किसी ने आके कहा कि मुझे एक ऊंट दे दो, तो आपने कहा कि भाई इसको एक ऊंट का बच्चा दे दो। तो उसने कहा मैं ऊंट मांग रहा हूं, मेरा बच्चा दे दो। अरे दीवाने, हर ऊंट का ही बच्चा है। इस तरह कई उनकी लाइफ में ऐसे ह्यूमर्स बनने पड़े थे। एक बार सैयद अली के साथ जो है, वो जो प्रॉफिट के कजिन्स भी थे, बाद में सन इन लॉ भी हो गए, उनके साथ खजूरे खा रहे थे। तो गुटली जो है वो खा खा के अली के सामने रख रहे थे। तो फिर बदाक ने कहा कि अली तुमको इतनी भूख लगी थी, कितनी गुटलियां तुम्हारे सामने। तो अली ने जवाब में कहा कि ठीक है, मैं तो भूखा था कि मेरे सामने इतनी गुटलियां हैं, आप कितने भूखे थे कि आप गुटलियों के साथ खा गए। तो इस तरह का एक ह्यूमर था, एक लाइट कंपैशनेट शख्स थे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने आपके सामने उस शख्स को जो इतना ओपन था वो आपके सामने नहीं रखा। ये कोशिश उनमें से कुछ कोशिशों में से एक है कि हम आपके सामने इस पूरे कैंपेन के जरिए कुछ ग्लिम्सेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके सामने बता दें जो अब तक आप तक नहीं पहुंची। मेरे साथियों, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड हमने इस कैंपेन का जो सेंट्रल थीम रखा है वो यही है कि जो आपकी ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड बातें हैं वो पहुंचाएं आपके सामने। आपने कहा इतनी सख्त बात है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। ये खाना नहीं खाना ऐसा नहीं, इट्स जस्ट नॉट अ वर्ड, इट्स अ डिग्री। और इस्लाम में डिग्री फॉलो नहीं करने की सजा है। यू आर अकाउंटेबल। ऐसा नहीं कि नहीं आओ ठीक है, उन्होंने कहा कि खाना पड़ोस में नहीं भेजा तो अच्छी बात, ऐसा नहीं है। यू आर बाउंड टू डू दैट। इफ यू हैव नॉट डन दैट, यू आर अकाउंटेबल। तो ये जो वो जो थी प्रॉफिट की बातें, बहुत बार कहा कि लोग इंसानों पर रहम करो, हर इंसान पर रहम करो, अगर रहम चाहते हो खुदा से तो इंसानों पर रहम करो। इस दुनिया में भी रहम चाहते हो तो भी दुनिया के बंदों पर रहम करो। कहा कि अच्छी गुफ्तगु करो, अच्छी गुफ्तगु नहीं कर सकते इस अच्छा है कि खामोश रहो। अच्छी गुफ्तगु नहीं कर सकते, एक बहुत ही मशहूर बात और वो ये कि माँ के पैरों तले जन्नत है। अगर हम प्रॉफिट की बात पे जाएं तो ह्यूमन सोसाइटी की सबसे कीमती, हम सब के लिए सबसे ज्यादा कीमती हमारे माँ बाप है। माँ बाप की खिदमत के लिए इतनी सख्त बातें हैं। और ये कहा गया है कि जन्नत लेना है तो माँ की खिदमत करो। दुनिया के 100 काम करोगे, नमाज करोगे, रोजा रखोगे, हज करोगे, जकात करोगे, अपने आप को टफ प्रैक्टिसेस में डालोगे, लेकिन अगर माँ खुश नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकती। माँ की जो वो है सेंटर थीम रसूलुल्लाह की जिंदगी में बहुत ज्यादा है कि हर बातों को लेकर जो है वो माँ के पास आते हैं। इसी ने पूछा कि माँ भी बैठा हो और बाप भी बैठा हो तो दोनों में से दोनों एक साथ आवाज देते तो क्या करो। तो आपने कहा कि माँ के पास जाने जाना। फिर कहा कि फिर वही हो जाए तो उसी वक्त दूसरी बार भी माँ के पास जाना। फिर कहा तीसरी बार भी माँ के पास जाना। फिर चौथी बार उसी वक्त पैरेलल लगा कोई बात, जवाब माँ और बाप दे दे तो फिर बाप। तो हाँ, मातृ टाइम्स बहुत है। तो ये जो है बेटियों के ताल्लुक से, आज हमारे यहाँ बेटियां तमाम सोसाइटी में, हम लोग इंडियन हैं, मुस्लिम हैं, इंडियन हैं, हमारे पास भी वो इफेक्ट है कि बेटी होती है तो मूड ऑफ कर लेते हैं, अभी भी है फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑब्लिगेशंस इतनी ज्यादा है जो रिलीजियस नहीं है, हमने अपने कल्चर में जो है बेटियों को, लड़कियों को इतना एक वो बना दिया है कि अभी भी लोग खुश नहीं होते। रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने एक बेटी की परवरिश की, उसको तालीम दिलाई, उसको अच्छे से पाला, मैं वादा करता हूं कि वो जन्नत की। एक बेटी की परवरिश अगर तुम करते हो तो मैं वादा करता हूं कि जो है वो जन्नत की है। एक कोशिश करने के लिए कम्युनिटी को कहा है, और सबके लिए ये बात है, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आदमी वो है और सबसे अच्छी चैरिटी वो है कि जो दो आदमियों के दरमियान दोस्ती करा दे।
अगर दो लोगों के दो ग्रुप में फैमिली में अगर दो लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ दूरियां पैदा हो गई है, तो वो जो है वो ये कोशिश करें। इससे अच्छी चैरिटी नहीं है, पैसा दे दिया, दान दे दिया, मंदिर मंदिर बना दिए, दो एम्बुलेंस खरीद दी, ये सब है, लेकिन सबसे अच्छी चैरिटी है कि दो आदमियों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, नाराजगी हो जाए, दूरी पैदा हो जाए एज ए इंडिविजुअल और द कम्युनिटी, तो वो इस बात की कोशिश करे कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती पैदा करे। आपने कहा कि सबसे अच्छा आदमी वो है, सबसे अच्छा आदमी जिसका कैरेक्टर और जिसके पैनर सबसे अच्छे। एज ए कम्युनिटी हम फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे दोस्त भाई हैं आप लोग, मैं कोई ऐसी तकलीफ करने नहीं, हम इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ये सारी बातें। आई होप दैट एज अ मुस्लिम एज अ कम्युनिटी ये सारी बातें हम एज अ होल आपको या हमारे फॉलोइंग नेशंस के अदर फेथ के लोगों को नहीं बता पा रहे, वरना शायद इतना क्राइसिस कम्युनिटी के लिए नहीं खड़ा होता। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ आपके सामने, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो हार्श बातें करते हैं। डोंट टॉक हार्शली एनीवन एनीवन, हार्श बातें मत करो। आपने फरमाया हम लोग जो उनकी लाइफ पर देखते हैं कि कई सेगमेंट्स आपने कवर कर रखे हैं लाइफ के, हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं, वाटर सेविंग की बात करते हैं, उस वक्त आपने कहा है कि पानी वेस्ट मत करो। व्हेन वी ऑफर नमाज वी हैव टू डू वजू, इंसान के जिस्म के जो पार्ट्स को उसको धोने के लिए हम लोग रिफ्रेश होते हैं। तो आपने कहा कि वो वजू भी कर रहे हैं, वो नदी है, देखो नदी बचाओ गंगा बचाओ हमारा तो बड़ा कैंपेन है, अल्लाह करे वो कैंपेन हट हो जाए, क्योंकि गंगा जो है वो गंगोत्री से लेकर बंगाल तक पहुंचने में करोड़ों इंसानों की जिंदगी से जुड़ी है, तो उसका केमिकलाइज्ड होना या प्योर ना रहना रिलीजियस एंगल अपनी जगह है, वो रिलीजियस एंगल भी फुलफिल हो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्योर वाटर जो है एज ए एनवायरमेंटलिस्ट हम सबकी नीड है, गंगा लाखों लोगों की करोड़ों की जिंदगी से जुड़ी है, तो उसको भी पल्यूट नहीं करना है। तो रसूल कहते हैं कि अगर आप वजू बना रहे और रिवर के बाद बना रहे तो भी उतना ही पानी लेना जितना नीडेड, जबकि बह रहा है लेकिन पानी आप उतना ही लेना जितना जो है वो नीडेड है। आपने जानवरों के ताल्लुक से भी जो है बहुत सारी बातें की, आपने डोनेशंस के बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आपकी चैरिटी अदर रिलीजन और फेथ देखकर नहीं होनी चाहिए। गरीब तो गरीब है था, उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं, पेट की आग हर इंसान की एक है, इंसान की जरूरत जो उसकी बुनियादी ह्यूमन ब्रेड बटर की सबकी एक है, तो अगर आपने मजहब देखकर बांटा तो बाप फिर खुदा के उसके रसूल के मानने वाले नहीं है। तो चैरिटी के बारे में भी आपने बहुत सारी बातें की, जानवरों के बारे में आपने ऐसी ऐसी बातें कही है कि कोई उस जमाने में तो घोड़े चलते थे यार, आप उतना लोड मत डालो कि वो जानवर सह ना सके। एक बार एक गधे को किसी ने मार दिया, उसके चेहरे से थोड़ा सा खून बह रहा था। प्रॉफिट अपनी लाइफ में कभी हार्श वर्ड नहीं बोलते थे, लेकिन जब उस गधे को देखा तो उसके सर से खून बह रहा है तो उनकी आंखें नम हो गई। प्रॉफिट ने कहा इतना सख्त वक्त हमने नहीं पढ़ाया, इतना हार्श वर्ड क्या लानत उस शख्स पे जिसने इस गधे को उस बेदर्दी से मारा है। और फॉर अस लव्स लानत प्रॉफिट कर दे बहुत टफ है, तो वो जुमला आपने किसने मार दिया इस गधे को इस बेदर्दी से। तो जानवरों के ताल्लुक से भी आपने जो है बहुत सारी बातें की। साथियों प्रॉफिट के लाइफ में अगर हम लोग रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देख जो हम लोग जिसको ज्यादा लोग समझते हैं वो हटा दें तो सारा के सारा सोशल मैसेजेस है, कम्युनिटी बिल्डिंग के मैसेजेस है, साथ में रहने के मैसेजेस है, मोहब्बत के मैसेजेस है। सबसे ज्यादा मुझको क्योंकि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि प्रॉफिट की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या प्रॉफिट ने क्या सबसे ज्यादा किया है, तो मैं उनका जवाब देता हूँ, प्रूफ देता हूँ कि लोगों को माफ किया था। लोगों से गलतियां हो जाए, घर में गलती हो जाएगी, पड़ोसी से हो जाएगी, कम्युनिटी से भी हो जाएंगी, एज अ होल लोगों को माफ कर, माफ करने से ह्यूमन सोसाइटी में पीस आएगा, माफ करने से ही लोगों के दरमियान में रिकंसिलिएशन की फिजा बनेगी। तो ये पूरा जो ये 12 रोजा हमारा प्रोग्राम है उसमें हम प्रॉफिट का ये एंगल अब तक खुल के सामने नहीं आया,
दोस्तों इस एंगल को प्रॉफिट के ये फॉरगिवनेस के एंगल को चैरिटी के एंगल को कंपैशन के एंगल को गैर मोहब्बत बढ़ाने के एंगल को इस मुल्क में एक ग्रुप ने किया है जिसका आज भी हमारा सारा हिंदू भाई रिस्पेक्ट करता है और वो हमारे औलिया कराम और सूफिया कराम है जिनकी दरगाहें हम लोग जाते हैं। हम लोग जाके आज भी हमारी यूनिटी का हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा सिंबल है। क्या अजमेर चले जाए हाजी चले जाए या और कोई बड़ी दरगाह चले जाए हमारी बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाई बहन जो है उन दरगाहों पे आते हैं और उन दरगाहों पे जो लोग वहां पर सो रहे हैं आराम कर रहे हैं उन्होंने ये पीस का लव का मैसेज इस इंडिया ने दिया। ये इंडिया आखिर में अपनी बात करके खत्म करूंगा कि ये इंडिया एक फेज है। हर नेशन की लाइफ में फेजेस आते रहते हैं। हमने भी बहुत फेजेस देखे। हमारी हिस्ट्री तो 5000 साल पुरानी है। अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को देखें तो ये 5000 ओल्ड हिस्ट्री और में बहुत सारे फेजेस आए और फेजेस आते रहेंगे। कौम की जिंदगी में 25 साल 50 साल कभी नफरतों का कभी मोहब्बतों की फेज आना है और ये इंडियंस हमने सब झेला है और प्राउडली इंडियन की हैसियत से हम खड़े रहे कम्युनिटी के साथ खड़े रहे मिल के खड़े रहे एज अ नेशन खड़े रहे। तो ये मुल्क में अगर अभी की ये हवा है हमारी छोटी छोटी कोशिश है। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ये मुल्क सूफी और भक्ति का मुल्क है। इसकी मट्टी सूफियाना है। इसकी मट्टी में माफी है। इसकी मट्टी में साथ लेके चलना है। मेरे साथियों आई बिलोंग्स टू यूपी एरिया कॉल्ड गोंडा बस्ती। आई विल नॉट बिलीव दैट हमने महसूस ही नहीं किया था। हमारे यहाँ जो नाम होते हैं नाम था उसका नाम था घेराव मुस्लिम और नॉट मुस्लिम उसके घर जाके खाते थे वो हमारे यहाँ के खाता था। जब एक दिन उसकी दादी मर गई हम गए तो हमने देखा जी वो नॉन मुस्लिम है। ये इंडिया है और आज भी ये इंडिया गांव खेड़े का इंडिया आज भी ये इंडिया है। ये इसकी मिट्टी सूफियाना है। कितने भी टफ टाइम आ जाए लौट के हमको इंशाल्लाह ताला इसकी इस बेसिक उस पे वो दोस्ती भाईचारा साथ देना एक दूसरे को माफ करना और आगे बढ़ना इंशाल्लाह हिंदुस्तान में वो दिन भी हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्हाट अ वंडरफुल वे टू एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स। हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी की ऐसे से एक बात अगर करूं तो हमने बचपन में रामायण देखी है टीवी पर महाभारत देखी है ना डे एंड नाइट हम लोग जो भी देखते हैं टीवी पर सीरियल्स में या मूवीज में है ना एकता कपूर के सारे सीरियल्स देखते हैं तो हम लोगों को हिंदू धर्म के बारे में तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी नो दैट हर त्यौहार मालूम है हर चीज मालूम है लोगों का नाम मालूम है कैसे लिखना ही मालूम है। लेकिन इसका रिवर्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था 60 बच्चों की क्लास थी 60 में 4 मुस्लिम लड़के थे तो बाकी 60 बच्चे थे तो वो इस तरह का जो रेशो आमतौर पर सोसाइटी में मिलता है या जो हम लोग देखते हैं तो बहुत कुछ मालूम होता है। हम उसका रिवर्स जो है ना वो कहीं बता नहीं पाए। अगर कहीं पर आप लोगों ने देखी होगी कोई फिल्में देखी होंगी कुछ मूवीज देखी होंगी तो सिर्फ इस तरह से देखी होंगी बहुत मामूली सी तो वो इन्फॉर्मेशन जो है शायद इसी तरह के इंटरेक्शन और एंगेजमेंट से बढ़े। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी ये तो एक आज समझ लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम है थोड़े वक्त के लिए हम साथ मिले हैं बैठे हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के इंटरेक्शन हमेशा चले ताउम्र चले हमेशा चले और हम इस तरह से मिलते रहें। अगर इस तरह से इवेंट में नहीं तो आप लोगों को जब भी कुछ इस तरीके से बात करनी हो समझना हो कुछ कोई डिस्कशन हो कोई दिमाग में ख्याल उठता ही आ रहा हो कोई बात नहीं आ सकता है। सो हम कोशिश करेंगे कम से कम उसमें चर्चा तो जरूर हो यानी ये डायलॉग का सिलसिला कहीं भी खत्म नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में जो हमने प्रोग्राम प्लान किया है थोड़ा सा आप लोगों के सामने पेश करूं और फिर उसके बाद मैं आप में से ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने तासुरात जो है व्हाटएवर ऑब्जर्वेशन कमेंट्स फीडबैक सजेशन है ना वी आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग आप लोग भी पेश करें आज इस डायस से। तो हम लोगों ने सबसे पहली कोशिश ये की कि प्रोग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो वो कि जिसको हम खुद कर रहे हैं जैसे आज की मीटिंग इस तरह की मीटिंग को सेंट्रली जो जिस ग्रुप ने इस पूरे कैंपेन को फ्लोट किया एक वो कर रहे हैं कि हम खुद कर रहे हैं प्राइवेट इवेंट जिसमें मतलब इन्विटेशन वाला ऑडियंस है एक वो हो गया। दूसरा हम लोग कुछ आइडिया ऐसे फ्लोट कर रहे हैं जो पब्लिक इवेंट्स है जिसमें इट इज ओपन फॉर ऑल वो सेकेंड हिस्सा हो गया।
तीसरा हम लोग कुछ गाइडलाइंस शेयर कर रहे हैं कि जिसके जरिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में इंफ्लुएंस करें। प्राइवेट इवेंट्स के लिए बात करूं, नंबर वन जो मैंने कहा आपसे, तो जैसे हम लोग मीडिया के सीनियर मीडिया के साथ ही आप सब लोग यहाँ पर जमाए, आप लोगों के साथ बात करें, इसी तरह हम लोग बीएमसी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में, आईएएस ऑफिसर्स के साथ में, मंत्रालय के कुछ ऑफिसर्स के साथ में, काउंसलिंग जो काउंसिल जनरल होते हैं अलग अलग कंट्रीज के उनके साथ में, इस तरीके से बहुत स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो हेड्स होते हैं उनके साथ में, उसी तरह से खासतौर पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लीडरशिप जो है, जैसे मंदिर के ट्रस्टीज होंगे, मंडल के ट्रस्टीज हैं, है ना, जो चलाने वाले लोग हैं, सोशल लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं विद इन अदर फेथ, उन सबको हम लोग बुला के इस तरीके का इंटरेक्शन प्राइवेट हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आइडिया ये है कि इसी तरह का भी बाकी लोग अलग अलग जगह पर इसी तरह से प्रोग्राम करें, तो ये एक लेवल हो गया। दूसरा जो है पब्लिक इवेंट के नाम पे हम लोग चुके जो बात जहां पर इन्होंने खत्म की, चुके ये देश जो है सूफी संगीत, सूफी भक्ति का देश है, संगीत का देश है, मौसीकी का देश है, तो उसी की एक सिलसिले की होती मुशायरा, तो हम लोग जो है मुशायरे का एक कवि सम्मेलन का भी जो है अरेंजमेंट हमने किया है अक्टूबर 8 को यहीं पर इस्लाम खाना में, और उसकी खास बात यह है कि उसमें जो कवि हजरात जो आ रहे हैं वो तमाम जो है मुस्लिम नहीं, वो सारे अदर देन मुस्लिम्स किसी भी फेथ के मानने वाले होंगे, जिन्होंने नात लिखी है। नात क्या होता है कि प्रॉफिट के बारे में लिखी हुई जो पोएट्री होती है उसको हम लोग नात बोलते हैं, तो वो एक 8 तारीख को यहाँ पर हम लोगों ने शाम में रखा है। उसी तरीके से एक आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन हमने रखा है विच इज ऑन दी अक्टूबर 1st, वो अंजुमन इस्लाम बीटी में रखा है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ पब्लिक इवेंट में अक्टूबर 1st को 2 बजे, दिन में 2 बजे शुरू करेंगे, शाम 7 बजे तक तकरीबन वो प्रोग्राम चलेगा, उसमें पूरे महाराष्ट्र से कुछ महाराष्ट्र ऑल्सो पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन, एंड इट विल बी अ वंडरफुल शो। आप सब लोगों के पास अगर वक्त है तो जरूर ड्रॉप इन प्लीज, एक अच्छा जो है ना मौका होगा कैलीग्राफी को देखने समझने का, तो वो एक इवेंट है। इसी तरीके से हम लोग ये जो मैसेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर जो हमने अलग अलग डिजाइन किए हैं वो लेकर हम लोग 8 अक्टूबर को एक पब्लिक डिस्प्ले काइंड ऑफ थिंग सिर्फ खड़े रहने वाले हैं अलग अलग लोकेशन से, खास तौर पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल्स के साथ ही और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग। इसी तरह 7th अक्टूबर विच इज फ्राइडे आउटसाइड मस्जिद ऑल्सो वी आर डूइंग सम इवेंट, है ना, दुआ का दिन है, मतलब दुआ की जाए अमन के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, भाईचारे के लिए, ब्रदरहुड के लिए, उस तरीके से। तो ऐसे ये दूसरा हिस्सा हुआ जिसमें हम लोग जो पब्लिक इवेंट्स है हमारे। तीसरा ये है कि हमने पिछले 1.5 महीने में बहुत मेहनत से लगातार वी मेट प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स, वी मेट एनजीओस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, वी मेट उलमा क्लेरिजी जो है कम्युनिटी की, उनसे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग मीटिंग की, और सबको ये पूरा प्रोग्राम समझाया कि लेट अस डू दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, लेट अस इंक्रीज दैट, अगर कहीं पर ये कमी है, कहीं पर ये नहीं हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस इंटरेक्शन और एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए, और ये दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रभु लोगों का जो मंथ है विच इज दी बर्थ मंथ ऑफ द प्रॉफिट, अक्टूबर 9th जो भी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होगी वो बर्थडे है, तो उस दिन खास तौर पर हम लोग जो है लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनवाइट योर फ्रेंड्स ऑफ अदर फेथ इन योर एट योर हाउस, इन योर मस्जिद, इन योर मदरसा, इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर स्कूल एंड इन योर कॉलेज, हैव लंच एंड डिनर विद देम, एक्सप्लेन देम। हमारे साथ ये बहुत सिलसिला हो रहा है, हम लोग तो कई बार मैं खुद बताऊंगा, जब इतनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे दोस्त मैं बता ही रहा हूँ कि मतलब हम लोग 3-4 लोग थे जो मुस्लिम थे, उनके साथ बहुत जगह मंदिरों में जाना होता था, वो मंदिर जाते थे, हम बाहर बैठे रहते थे उनके साथ, उन लोगों के इंतजार में, तो हमको मालूम है मंदिर क्या है, कैसे दिखता है, मूवीज में देखा है, लेकिन ये शायद सिलसिला जो है ना शायद बहुत सारे जो हमारे खासतौर पर हिंदू भाई उनके साथ नहीं हुआ है, तो आइए मस्जिद देखिए, कुछ लोगों ने सिलसिला शुरू किया हमारे साथ ही है, और आप यकीन जानिए बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है, मुझे लग रहा है बातचीत करने में तो रेस्पॉन्स हमेशा अच्छा आता ही आना ही है, तो ये कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने तरतीब दिए हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी खासतौर पर स्कूल, ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज है ना, समझ लीजिए यहीं से इंसान बनता है, तो हम चाह रहे हैं कि इनके जो हेड्स हैं, मैनेजमेंट है ना, इसके जो प्रोमिनेंट लोग हैं, इनसे भी अलग अलग जगह हम लोग इनको इन्वाइट कर रहे हैं और एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अंजुमन इस्लाम इज टेकिंग लीड इन दैट, वो भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हर जगह पर खासतौर पर साउथ बॉम्बे में हम खुद करेंगे,
दूसरी जगह पर ये अंजुमन की जो दूसरी ब्रांच है बहुत स्कूल है जहाँ हमारे और आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं है ना, तो बहुत कॉमन ग्राउंड है, तो उनको बुला के बात करना, एक इंटरेक्शन करना, एक कम्युनिटी लेवल पर एंगेजमेंट करना, इसकी एक छोटी सी शुरुआत है जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन हम लोगों को लगातार मिलता रहे, इसी की आशा और कल्पना करते हैं हम। और अब मैं आप में से दरख्वास्त करूंगा, फोरम इज ओपन, आप में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहें, बहुत सारे सीनियर साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं शायद हम लोग एक दूसरे को के नाम से बहुत सारा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहें तो वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम वन साइड। आप चाहेंगे तो कैमरा बंद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग अपना नाम कहें और अपनी बात। बहुत शुक्रिया। मैं आदित्य दुबे, रेसिडेंट एडिटर, हमारा महानगर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजादी का 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 75 साल बाद ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप इस तरह के इंटरेक्शन पर आए हैं? ये हम मुझे लगता है उनसे अच्छा आप खुद समझते होंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति है देश में, तो मैं उससे बहुत ज्यादा बात करूँ ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इतना पॉजिटिव माहौल है ना, हम सब समझते हैं कि देश में। शुक्रिया बोलो तो लोग जो है ना इस वक्त बोलते भाई ये क्या शुक्रिया लगा रखा है, दादागिरी कर रहे हैं, तो कम से कम उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, इस तरीके की बातचीत की जाए जिससे एक अच्छा सिलसिला शुरू हो, है ना। रही बात 75 साल, देश बहुत पुराना है और बहुत दिनों से साथ में रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं और अगर वो उस पर चर्चा ज्यादा हो रही है, उसको मीडिया में स्पेस ज्यादा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऑन द कॉन्ट्ररी वी शुड गिव स्पेस टू पीस, लव, ब्रदरहुड एंड अफेक्शन एज वेल एंड कंपैशन एज वेल। दूरी बढ़ा रहे हैं, खास करके मान लीजिए जितने आप कह रहे हैं जो लोग दूरी बढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल तौर पर, जैसे MIM जैसी पार्टियां हैं, तो उसपे आप कैसे लगाम लगाएंगे? जो इलेक्शन का क्या फायदा होगा कि एक तरफ से लोग उसकी आग उगलते रहेंगे, दूसरे तरफ से आप उस पर पानी डालते रहेंगे, उसका बेनिफिट कैसे होगा समाज के बीच में? इलेक्शन तो एक बड़ी खराब चीज है, इलेक्शन वाले मामला जो है ना वो बड़े अजीब से होते हैं, सब लोग अपने अपने तौर पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, शायद इलेक्शन बुनियादी वजह है कि हालात यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो भी करे, जो भी दूरी फैलाने की बात करेगा, वो काबिले कबूल किसी के लिए नहीं होना चाहिए, वो किसी धर्म मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो तो वो तो काबिले कबूल नहीं है, चाहे हिंदू धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, सिख हो, मुसलमान हो, तो उसको तो सब लोग इक्वली जो है ना उसके खिलाफ। रही बात हमारा काम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है, वो हम करते हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग खुद जो लोग कैंपेन प्रोग्राम किया है, हम लोग कोई बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, ओके, हमारी समझ में ये आया, आपकी बात बहुत सही है कि हम फायर ब्रिगेड तो बन सकते मिनिमम, लेट्स बिकम अ फायर ब्रिगेड, आग लगी है बुझा सकते हैं। एक छोटी सी बात कह दूंगा, सभी जैसे कहा कि इब्राहिमिक रिलीजन की बात की, तो तीनों इब्राहिम रिलीजन में एक स्टोरी है छोटी सी, कि ये माना जाता है तीनों रिलीजन में कि जो प्रॉफिट अब्राहम थे उनको आग में डाल दिया गया था, उस वक्त के जो रूलर्स थे उन्होंने, तो एक छोटी सी चिड़िया थी, छोटा था पानी का टुकड़ा लेकर ऊपर डाल दी थी कतरा, तो जाएगा शुक्रिया, तो कतरा जो है तो नीचे जाने से पहले पेपर उठ जाता था, तो पॉलो चिड़िया ने कहा उसे कि हाउ फूल यू आर, क्यों कर रही है तू, तो आप बुझा नहीं सकती। तब चिड़िया ने ये बात करी कि मैं मेरी जिम्मेदारी अदा कर, मैं अगर एक कतरा डाल सकती हूँ तो मैं कतरा डाल रही हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी। तो ये हमारा कैंपेन जो है, तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही और समझाई कि जिस लेवल इस 75 साल बाद ऐसा कैंपेन क्यों, मैं आपके सवाल समझा सर, 75 साल बाद कम्युनिटी के कुछ नए यूथ लोगों ने नया सोचा है, कम से कम इस बात पे मुबारकबाद देते सारे लोग,
और क्यों सोचा है वो भी बताएं सर, मैं बहुत फ्री बात करने वाला था। कहानी पूरी करो ना। हाँ। कि मेरा नाम हिस्ट्री में आए। हाँ चल ठीक है। तो वो आग बुझाने वालों में आए। हाँ, कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए। तो मैं वो फायर ब्रिगेड। दूसरी चीज और कहते हैं, मैं बहुत फ्रेंकली बात करने वालों में से हूँ। अगर हम लोग जैसे नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मदनपुरा के लड़कों से जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनसे कुछ बात करें तो उनका स्टाइल अलग है, टोन अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है। हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स के बारे में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आए स्ट्रीज है डॉकयार्ड रोड या वर्ली या अंधेरी, जहां क्रॉस कम्युनिटी है, यानी हमारा बच्चा किसी नॉन मुस्लिम बच्चे के साथ पढ़ रहा हो तो उसके थॉट्स अलग है, उसके बिहेवियर्स अलग है, उसका ह्यूमन टच अलग है। मेरा बेटा यहाँ बैठा है, उसका सरदार तो उससे वो बीमार हो गया, तो ऐसा रो रहा था, मैंने कहा मैं इतना मत रो, मेरा मरना बाकी है, मेरे मरने में भी थोड़ा रो लेगा। दिस इज इंडिया और नया यूथ आएगा, वी आर वेरी होपफुल। मेरी कम्युनिटी में भी, क्योंकि वी आर क्लोज टू द कम्युनिटी, हम लोग जब बातें कर रहे हैं ऐसे क्रॉस जनरेशन से जहाँ इंटरेक्शन दोनों कम्युनिटी के लोगों से हो रहा है, वी आर वेरी हेल्पफुल होपफुल। और यही वो कोशिश है, ये नए यूथ की कोशिश है, जितनी आग बुझा सके और जितनी खुशबू फैला सके। थैंक यू जितेंद्र, आइए ऑलवेज वेलकम। ये इंटरेक्शन ऐसे ही बहुत फ्री इंटरेक्शन है जी। देखिए मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए कि एक तो मैं कम्युनिकेशन के मीडियम से हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और आप भी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, संवाद की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और मेरा मानना है बात करने से ही बात बनती है। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ पला पड़ा वो अपना मस्जिद बंदर का इलाका मुंबई नंबर 3 के साढ़े लोग जो बोलते हैं वहीं पर, और मैं इसका मुस्लिम रन स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो क्लास में 8-10 हिंदू बच्चे थे, दसवीं क्लास आते आते सिर्फ दो नॉन मुस्लिम बच्चे थे, एक मैं था और एक चाइनीज ओरिजिन का मेरा बुद्धिस्ट फ्रेंड था बुशी फॉन्ग, और बाकी हमारे जो सारे क्लासमेट्स और दोस्त थे वो सब मुस्लिम ही थे। तो मुझे मोटे तौर पर आइडिया है कि इस्लाम धर्म क्या है और किस तरह की मान्यताएं हैं, क्या रिचुअल्स हैं, जैसे मुझे कलमा आता है, सुबह के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है पढ़ाई के लिए वो भी मुझे याद है, क्योंकि स्कूलों में, मुस्लिम स्कूलों में जो पहले दुआ पढ़ी जाती थी फिर उसका जनरल वर्ण पढ़ा जाता था, तो वो मैंने 10 साल तक सुना है, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, तो वो भी मुझे याद है। आपने बड़ी अच्छी बात कही इंद्र जी की, रामायण महाभारत के जरिए जब 90 के दौर में सभी को पता चला राम कौन है, कृष्ण कौन है, नॉन हिंदूज को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जानकारी मिली, और वो ये दौर था कि जब संडे के दिन सुबह सुबह रामायण या महाभारत आता था तो अगर आप मुस्लिम इलाकों से गुजरेंगे तो वहां पर भी सन्नाटा फैला होता था, सब लोग टीवी में के सामने बैठे होते थे, ना केवल हिंदू इलाकों में बल्कि मुसलमानों के इलाकों में आप जाएंगे तो, और आप गली से जब चलेंगे तो हर जगह पे वही आवाज आ रही होगी, महाभारत और रामायण जो सीरियल उस वक्त चल रहे होते थे वो सुन, तो सभी लोग जो है मतलब उस वक्त उसमें रमे रहते थे। लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आम लोगों को इस्लाम क्या है, पैगंबर क्या थे, उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और जो कुछ भी पता है वो सब आज जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, व्हाट्सएप ज्ञान है, बस उसी तरह से आ रहा है। आप लोगों ने जिस तरह की कैंपेन शुरू की है उसकी आज बेहद सख्त जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरह से नफरत फैल रही है, और ये नफरत मिसकम्युनिकेशन की वजह से फैल रही है, पॉलिटिक्स का तो अपना अलग रोल है ही, लेकिन एक कारण ये भी है कि डिसइंफॉर्मेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें भी हैं। तो उसको खत्म करने के लिए आप जैसे लोगों का आगे आना जरूरी है, और इस जैसी कैंपेन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मतलब एक सागर में बूंद के जैसी है, और इससे
कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये आपने शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि और लोग भी इससे प्रेरित होंगे और आगे व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है ये चीज और आगे बढ़ेगी। और आपने सही कहा कि आपको जो है बेशक आग बुझाने वाले के तौर पर याद किया जाएगा और आप जैसे बहुत लोगों की जरूरत है। अभी कल मैंने आप लोगों से मुलाकात की और मैंने मेरे चैनल के लिए रिपोर्ट बनाई, फिर उसको जब वेब पे डाला, नेट पर डाला गया, तो आप देखेंगे कि कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी किए। तो ऐसे लोग आपको और भी मिलेंगे हिंदू धर्म से भी और मुसलमानों के बीच भी, जो आपके इरादों पर शक करेंगे, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर शक करेंगे। ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से सटल तरीके से इस्लाम का प्रचार करने का एक मकसद भी हो सकता है, लेकिन मेरा आपको यही सुझाव है कि इन सब की परवाह किए बिना की कब्जा गुड़गा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हम लोग स्प्रिट भी बढ़ा रहा है और हम आपकी बात के मुताबिक ही इंशाल्लाह चल के दिखाएंगे। खाली वो एक बात, क्योंकि मेरी माँ मुझे याद आती है कि जब वो रामायण महाभारत दिखाया जाता था तो उसी स्पीच इन पूर्वी यूपी वाइट है तो कहे के कब आने वाला है रामायण, कब शुरू होने वाला है, तो सुबह 6 बजे जब माई सूते थे अब 6 बजे, तो वो इतना मशहूर था और 9 बजे तक सब ऐसा बिल्कुल कोई तैयारी होने वाली है। और बहुत अच्छी बात आपकी बात से याद आई, यकीन जानिए मैं कसम खा के कह सकता हूँ किसी ने भी उसको मजहबी एंगल से नेगेटिव होके नहीं देखा। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने किसी शख्स ने भी रामायण और महाभारत को हेट्रेड से या इसमें कुछ बुराई ढूंढने के लिए नहीं देखा। लेकिन वो एटमॉस्फेयर अब नहीं है, इट्स वेरी पेनफुल। नेक्स्ट प्लीज, कोई बोलना चाहता है? गर्ल्स प्लीज, दे आर वेरी स्माइलिंग, कुछ तो बोले। नमस्कार, मंच पर कई लोग हमारे परिचित बैठे हुए हैं, मुस्लिम भाई हैं कई लोग। वास्तव में मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है, मैं दैनिक जागरण से हूँ, परिचित दिया मैडम। पैगंबर मोहम्मद के बारे में जहां तक आप लोग मतलब अगर ये कुछ मन में हो कि भ्रम है उनको दूर करने आप आ गया है तो ये दिमाग से ही निकाल दी। ये हम लोग मतलब जो अदर कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं वो तो नर्मदा से एक पत्थर ला करके रखते हैं और उसके ऊपर जचना शुरू कर महादेव हो जाते हैं। वहां हमको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तो है वो, उसमें उनका जीवन चरित्र क्या था या कैसे थे वो बहुत अच्छा होगा तो ही हम मानेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं। बस वो आपके आप उनको मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, इतनी सी बात है सर। सवाल दूसरा है, जो आपने अभी आदित्य ने एक बात कही और उसका जवाब नहीं आ पाया उधर से या थोड़ा बहुत आया अभी, ये सिर्फ सियासत का वक्त मसला है और जब कभी कोई मुसीबत आती है देश पर एक साथ तो वहां सियासत धुल भी जाती है। मैं घटना बताता हूँ, नसीम भाई बैठे हूँ, ये जो कोरोना शुरू हुआ तो उसके शायद एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पास धारावी से एक फोन आया। हमारे मैं दरबारे में पढ़ाता था, पर पत्रकारिता, तो वहां हमारा पढ़ाया हुआ एक लड़का था, अभी कुछ दिन पहले वो हज करके आया है। उसने कहा कि सर वो यहाँ तो हालत ऐसी है कि अभी से लोग पानी पी करके दिन गुजारने में मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, बोले कुछ करना पड़ेगा सर। उन्होंने अच्छा रुको सोचते हैं, तो एक पुलिस अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी उनका, मैं उनको मैंने सुना था कि उनका कुछ धारावी में सोशल वर्क चलता है, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है उसको बच्चे को नंबर दे दो, मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया,
और इनका नसीम भाई का कोई लंगर चल रहा था बायरला में। अच्छा, और अगले दो तीन महीनों तक उस लड़के के जरिए और उस पुलिस अधिकारी के जरिए जहां भी पहुंचे हम लोग, लगभग यानी 60-70 से पैकेट शुरू हुए थे और दोनों वक्त 375 पैकेट आप भिजवाते थे और वहां लोगों के पेट भरते थे। अब ये चैनल कहीं ना कहीं मानवता का ही तो काम आया, वहां सियासत काम नहीं है, सियासत सर वहां काम आती है जो आज का दिन है। आज एक तरफ आप आग को बुझाने के लिए खुद आपने कहा कि हम फायर ब्रिगेड का काम तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज सुबह से जो एक खबर चल रही है पीएफआई की, मैं चाहता तो नहीं भी बोलता, लेकिन सर बोलना पड़ेगा। कुछ कड़वी बातें जो हैं समाज में उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप तो कैसे हम उनसे पीछा छुड़ाएंगे। आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसे इसमें स्वागत ही नहीं करते हैं, इसमें आपके साथ हैं। हम लखनऊ से हैं जहां सहजीवन ही जो है वो प्रवर्ती रही है लोगों की, हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ की है, रहने वाला बोलता है मैं फैजाबाद का हूं। मेरी जब शादी हुई और बताऊं कुछ व्यक्तिगत बात, तो हमारे यहां जो कपड़ा आता था वो हाशिम चाचा के यहां से आता था, चूड़ी उनके छोटे भाई पहनाने आते थे, आतिशबाजी बाजी उनके छोटे भाई करते थे, और जब मैं विदा हो रहा था यानी ससुराल जाने के लिए, तो उनकी अम्मा यानी दादी, उनको भी दादी ही कहते थे, वो आबे जमजम लेके आई थी मेरे कुछ रखने के लिए। ये हिंदुस्तानी की वो संस्कृति, लेकिन वो उस घटना को भी अब 30 साल हो चुके हैं, इस बीच में बहुत पानी बह चुका है सरयू जी में, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी प्रोफेट मोहम्मद को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, सब उसका उनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कोरोना दौर के बारे में। मैं बताऊं आपको, कोरोना के मौके पर जितनी संस्थाएं थी, हर दलित हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबने मिलकर काम किया, पूछा नहीं कि तू किसी मजहब किस मजहब का है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं सिलेंडर का फोन आया तो वहाँ सिलेंडर चला गया, कहीं राशन का ड्राई राशन का फोन आया, खाना तैयार हो वो फोन किया। तो हमारे यहाँ से हमारा जो कैंटीन था वहाँ से रोज कम अज कम 20 लाख ये पैकेट बांटे गए, 20 लाख। और मुझे याद है कि पुलिस कमिश्नर का, एडिशनल कमिश्नर का फोन आता था कि पवई में वहाँ कुछ कामगार फंसे हुए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया तो वहाँ भेजिए, कहीं कांतीवली कहीं बोरीवली, तो हमने सब जगह भेजा। लेकिन ये नहीं, हमारा मकसद भी ये था कि हर पंप के लोगों को मिले। इस तरह बाकी हिंदू संस्थाओं ने, बाकी काफ़ी गणपति मंडलों ने भी बड़ा अच्छे से काम किए। तो आज का मकसद जैसे आपने कहा कि यही है कि प्यार का पैगाम थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी चलता होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, उनकी मेहनत होनी चाहिए ताकि माहौल अच्छा हो, दिन प्रतिदिन अच्छा हो। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओम प्रकाश जी से भिन्नता रखता हूँ। आपने 30 साल पहले की बात कही, इन 30 सालों में गंगा जमुना और सरयू में बहुत पानी बहा है, संगम के ऊपर से भी बहुत पानी बहा है। जो परिस्थिति 30-40 साल पहले देश की थी, आज वो परिस्थिति नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। हमारे साथी यूसुफ भाई के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में एक मुहिम चला रहे हैं, सईद भाई है, फारूक भाई है, हम सब लोग उसमें हैं, इस्लाम जिमखाना इसमें लीड ले रहा है। मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है, 70 सालों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद पिछले 70 सालों में किसी ने प्रॉफिट की ऐसी तस्वीरें नहीं बनाई और इतनी अभद्र तस्वीरें, इस तरीके से बदनाम करने वाली तस्वीरें कि 6 साल की बच्ची के साथ प्रॉफिट को बताना, शायद ये
एक तो हमारी सोच की गिरावट है, जो विचार है वो गिरे हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारी भारतीय सभ्यता थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। हालांकि प्रॉफिट ही नहीं, जो इस्लाम है खुदा है, कुरान जो है वो अल्लाह के रसूल के जरिए उतारी गई, और उसमें कुरान की एक छोटी सी आयत में कोट करता हूँ, आई एम नॉट ए आलिम बट आई कैन कोट स्मॉल जो है कथा, लकुम दीन अकुम वलिया दीन, कुरान की एक आयत है उसमें है लकुम दीन अकुम वलिया दीन, मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है और उनका दीन माने ओम प्रकाश जी का दीन, यहाँ हमारे आज तक के पुराने साथी बैठे हुए हैं उनका दीन, लकुम दीन अकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है और उनका दीन उनके साथ है, यानी जो गैर मुस्लिम हो वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो पारसी हो बुद्धिस्ट हो जैन हो, तुम किसी के दीन के बारे में बुरा मत कहो वरना वो तुम्हारे दीन के बारे में बुरा कहेंगे। तो ये हिदायत है कुरान की, ये हिदायत है, ये हुक्म है अल्लाह का, किसके जरिए है अल्लाह के रसूल के जरिए। लेकिन ये पिछले 20-30 सालों में आपको भी पता है और पिछले 2014 के बाद से जिस तरीके से राजनीतिक उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि उसमें फिर किसी भी संगठन को बदनाम करने, एक जमाना था आरएसएस को बैन करने की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, आज उसका नाम लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो बीएसएफ को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट फॉर ऑल जैसा आपने कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए है, सारे लोगों के लिए है। तो वी थैंक्स ऑल टू यू, और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कोई कुछ भी कोशिश कर ले, जब इलेक्शन होते हैं तो उसके वोटिंग पैटर्न हमको बताते हैं कि जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनको 30-32-35% से ज्यादा वोट नहीं मिलता है। तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो आज भी सभी जाति और मजहब को और हिंदुस्तान को लेकर साथ चलने वाले हैं, और यही देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी मिसाल। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी बात को सिर्फ इस शेर से बढ़ाना चाहता हूँ, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब का शेर है, हम किसी दीन से हो साहेब किरदार तो हैं, जैसे भी हैं सना खाने शहीद अबरार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बात पे बात पे और शुक्रिया। तो हम लोग नेक्स्ट है सर, दो मिनट सब कीपिंग ऑल दिस पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिकल डिस्कशन असाइड, वी हैव द एंटायर फोकस ऑन दिस कैंपेन। इस तरह से साहब कुछ बोलना चाहते हैं सर, प्लीज। जी बिल्कुल सर, प्लीज। अरे सर, आई वांट टू डिस्पेल सम मिसकंसेप्शंस अबाउट मुस्लिम्स। फॉर एग्जांपल, आई गिव टू एग्जांपल्स, ब्रीफ एग्जांपल्स। When we were young, I am coming from a Christian family, we were always told, be careful of Muslims. They might do anything to you at any time. That is one thing. So we were told, you can be friendly to Muslims, but be careful. So that was a misconception I learned over a period of years, now that I am big. And there is another misconception also, that which says, there is difference between the Bible and Quran. The whole of the Quran is a whole of Bible is in the Quran itself, including two chapters of Yahya and Revelation. So there is a similarity, not identical, but there is a similarity. I don't see any difference. And why all this, you know, chaos and poisoning the mind of this one and that one? That is one thing. Another point I'll tell briefly. Abu Bakr and Abu Ali. Now who are these people, Abu Bakr and Abu Ali? Companions of Prophet. When I worked in Abu Dhabi, we used to play volleyball, we used to play cricket, this thing, that thing, after working hours. And they used to call Abu Ali, Abu Ali. So I got to know that man's name is Abu Ali. But when he's standing in the queue to eat food, he was standing in the American queue, where the Americans stand, continental nation. So that contains, you know what? Unzeal, which is prohibited for. So I asked him, you are Abu Ali, you are Muslim, how are you eating this? He said, who told you I am Muslim? I am Christian. Abu Ali, Abu comes from father, and Ali is Abu Bakr also. Abu is
the word Abu is derived from father of Ali, father of Abu. And Bakar is because his family is looking after same thing you have in Maharashtra. Right. Gai Dhani. The meaning of Gai Dhani is that family, that is their property and they're looking after cows. They're owners of cows. Gai Dhani, thereafter get their surnames. So we should not have any differences. Thank you, sir. It's for the general information for everyone. It's a good information. Anybody, any two please last, because everybody has a maybe time. From the female side? Female side, I said, they are smiling, they are learning. From female side, if somebody can ask. Ji, please. Yes. Please pass on the mic. Ji. Yeah. Go ahead, ma'am. Hi, everyone. Hello, ma'am. Salaam alaikum. I know so many faces. Bahut saal reporting ki hai. बहुत मजा आ गया ना बिल्कुल आ जाएगी मैम थोड़ा तो पहले तो बहुत सारी दो तीन बातें आई वुड लाइक टू ब्रिंग बैक दिस थिंग कि जैसे जितेंद्र ने बोला बॉम्बे 3 ये आइडेंटिफिकेशन जो है आई लुक अपॉन दिस इवेंट कि जो आइडेंटिफिकेशन है बॉम्बे 3 बॉम्बे 2 ये आइडेंटिफिकेशन बदलने की काफी जरूरत है आई सपोज जो आदित्य जो है जो आरी है उन्होंने जो कहा और उसको ऐड करते हुए ओम प्रकाश जी ने भी जो कहा मुझे लगता है वो आइडेंटिटी चेंज करने की बात है जैसे मैं बहुत साल मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे बताऊं मैं बरेली पैदा हुई तो बहुत साल यहाँ से ट्रैवल किया है मुझे मतलब जितने साल की मैं हूँ मैं सबको 18 बोलती हूँ तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई जो लोग बात करते हैं कि औरतें मतलब मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछा करते थे मिडडे में बात हुआ करती थी एक्सप्रेस में बात हुआ करती थी कि आर यू कंफर्टेबल ट्रैवलिंग टू फाइनोनी आर यू कंफर्टेबल इन ट्रैवलिंग नागपाड़ा तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आई वांट टू से दैट कि इट्स अ गुड थिंग दैट द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट चेंज होते रहना चाहिए अब वो सियासी है नहीं है मेरा उतना ज्ञान नहीं है जितना इन सारे लोगों का ज्ञान है तो उतना तो है नहीं बट कभी ऐसे लगा नहीं जिन लोगों के साथ मैं बैठी मैंने खाना खाया मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं बहुत साल के बाद वो है नहीं मिनिस्टर अभी लेकिन मैं उनसे बहुत लगातार बात करती रही फोन पे बात रही एक बार मैं इफ्तार में आई तो मुझे पता चला कि मैं 1/4 लोगों को यहाँ पे इस्लाम जिम खाना में जानती हूँ और किसी ने मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि मुझे नॉनवेज खाना चाहिए तो आई अप्रिशिएट अ लॉट अबाउट मुस्लिम्स दैट दे रिस्पेक्ट माय रिलीजन इफ इट इज अ रिलीजन वैसे तो मुझे हिंदू संस्कृति ही नहीं समझ में आई अभी तक मतलब सर जैसे बता रहे थे कि एक आप पत्थर से बात वो करो तो वहां पे हम मान लेते हैं तो वो हो जाता है वो समझने के लिए भी मतलब पता नहीं मैं जब 40 की हो जाऊंगी तो शायद थोड़ा बहुत वहां तक पहुंचूंगा तो आई अप्रिशिएट वन ऑफ द थिंग दैट एक बहुत अच्छी बात लगी कि आप मॉस्क लेके जाएंगे मतलब बैक टू द इवेंट पार्ट आप मस्जिद लेके जाएंगे मैं आना चाहूंगी मैं बहुत साल तक ऐसे रहा कि नहीं जा पाए तो आना चाहूंगी और आप इंस्टीट्यूशन दिखाएंगे जो एक्चुअली इल्म की तालीम की जरूरत है मुझे लगता है कि जो हम लोग 20 साल पहले बात करते थे मैं सही कह रही हूँ ना सर आप कम्युनिटी पे ही लिखते हैं तो हम लोग 20 साल पहले जो बात करते थे ना मुस्लिम पिछड़ा हुआ था उसका ग्राफ बढ़ गया है पढ़ाई लिखाई में ग्राफ बढ़ गया है तो बाकी सारी बातें भी बढ़ेंगी तो वो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि ये कैंपेन कुड वर्क जब अदर देन ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि मैं अगर नागपाड़ा चलूं तो मुझे कोई छेड़ेगा नहीं नहीं कोई नहीं छेड़ेगा ये मुझे लगता है यहाँ से आप पीस फॉर ऑल जो लेकर जाएंगे वो मैसेज ये होना चाहिए कि वहां के लोग चल सके मुझे आज तक नहीं तकलीफ हुई कोई नहीं जानता कि मैं इतनी छोटी सी हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ मैंने कहीं पे भी खड़े होके चाय पी है एंड नोबडी एवर ऑब्जेक्टेड लाइक आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग अगर ये इनिशिएटिव 30
30% शॉप तो हिंदुओं की है वहाँ की 40% शॉप है उनकी पूरे भिंडी बाजार में पूरे नागपाड़ा में पूरे जिले पे आप देखिए जितने ज्वेलर्स हैं जितने लोग हैं मरीन लेंडर्स हैं या काफी दूसरी दुकानें जूतों की दुकान जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी मैंने समाटीपुरा में 2020 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई तो बहुत सारी दिक्कतें थी औरतों को खाना नहीं मिल रहा था और बहुत औरतों ने सामने से बताया कि वहां के जो एमएलए थे उनकी तरफ से खाना जा रहा था इट वॉज अ सरप्राइज वो मुझे बाद में पता चला जब जावेद जुनेजा साहब को बताया मैंने कि कुछ औरतों को खाना नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं इंश्योर करता हूँ अब ये मैं सेक्स वर्कर्स की बात कर रही हूँ ये कोई आम जो नहीं है वहां पे ही मस्जिद के बाहर खाना मिल रहा था तो ये सारा जो चेंज है वो मुझे नहीं लगता एरिया डिवाइडेड है बॉम्बे 3 या बॉम्बे 2 ऐसे करके एरिया डिवाइड नहीं होना चाहिए मतलब देन विल बी ऑलवेज इन अ डिवाइडेड स्टीरियोटाइपिंग में हां तो इट्स अ गुड थिंग आई मीन इंस्टीट्यूशन लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा है मैं आई हूँ अंजुमन में वहाँ की लाइब्रेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है आप किताबें दीजिएगा पढ़ने को सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस इनिशिएटिव घर से शुरू करेंगे आपको पहले घर बनाएंगे फिर वहां से मंदिर तक ले जाएंगे आई होप द लास्ट डोंट माइंड एवरीबॉडी प्लीज अच्छा एक और है ज्योति बोलेंगे उसके बाद एक और ओके मुझे सिर्फ दो चीजें कहनी है एक तो ये है कि आपकी जो पहल है वो बहुत अच्छी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकिन आप माइनॉरिटी हैं और जो आपके हाथ में है तो आप उतना कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपके जो आपको कंफ्रंट करना पड़ रहा है मतलब वो जो फोर्स है वो उसमें सरकार भी है उसमें सरकार के सारे प्रचार के माध्यम है उसमें सोशल मीडिया भी है उसमें टीवी चैनल्स भी है जो मुसलमान को दिन रात काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं मैं बोल सकती हूँ मार भी रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो एज अ माइनॉरिटी यू कैन डू ओनली दिस मच जो मेजॉरिटी है आपको नहीं लगता उसका फर्ज है कि वो माइनॉरिटी की तरफ से अपना हाथ बढ़ाए हम लोग 78% है आप सिर्फ 14% है हमारी जो सरकार मेजॉरिटी की सरकार है वो ये सब कर रही है वो उसके इंकरेजमेंट से ये सब हो रहा है तो मुझे तो लगता है कि हमारा फर्ज है कि हमको ये करना चाहिए और आपको भी बोलना चाहिए हमको भी आपको करना चाहिए और दूसरी बात ये है कि आप प्रॉफिट के बारे में बताएंगे बहुत अच्छा है मुझे काफी ज्ञान है लेकिन काफी चीजें मुझे नहीं आज पता चला लेकिन हम तो लोगों को देखते हैं ना तो जो मुसलमान का बिहेवियर है हम तो उसको ही देखेंगे हम ये नहीं सोचेंगे कि प्रॉफिट इतने अच्छे थे इसलिए हमको हर मुस्लिम को अच्छा मतलब जो हिंदुओं जैसे आप हिंदुओं को देखते हैं जो आजकल जो अपने आप को हिंदुत्व वाले कह रहे हैं वो जो हिंदुज्म है वो थोड़ी कर रहे हैं वो तो आप उसको हम बोलेंगे कि राम ऐसे थे और ये ऐसे थे तो हिंदुइज्म इज नॉट व्हाट इज बीइंग डन बट यू आर सीइंग द बिहेवियर ऑफ हिंदू सो आई थिंक देयर इज सम एट सम लेवल वी हैव टू गो डाउन टू ह्यूमन बिहेवियर हाउएवर गुड द प्रॉफिट वाज यू हैव टू आल्सो गो डाउन हाउ वी सी ईच अदर नहीं वी अप्रिशिएट व्हाट यू सेड जस्ट नाउ I think our efforts for peace will even compel them to come forward. And some NGOs we are in touch with, and they are also ready to cooperate with us. So even the majority community is coming forward with a positive response. You mean because, like the RSS? No. Siddhivinayak Mandir, CD, for people from there are coming. So we are talking to a lot of people. We are trying to build, you know, remove the bridges and gaps. So Chanas, let's see what happens after this. Shukriya, main Pramod baat kar raha hu. निजम भाई नमस्ते तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने किया है और सभी साथियों ने हमारे पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए मैं कुछ सुझाव बीइंग जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन फील्ड से हम लोग है कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूँ एक तो मंच पे एक भी महिला ही नहीं है शायद यही चित्र अगर आप प्रॉफिट के बारे में जानकारी देने के लिए सिर्फ पुरुष ही जाएंगे तो महिलाओं तक आप कैसे पहुंचेंगे क्योंकि वो आदि बड़ी टीम है नहीं आज मंच पे एक भी महिला ही नहीं दिखाई दे रही
तो ये होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने कहा कि प्रॉफिट ने स्त्री और पुरुष समानता की बात कही है, जो हमने भी पढ़ी है, तो महिलाएं होनी चाहिए। और आपने अपने धर्म और खास करके प्रॉफिट साहब के बारे में जो बातें लिखी गई है वो सरल शब्दों में बतानी भी चाहिए। दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि मराठी में भी बहुत सारा साहित्य जो है प्रॉफिट साहब के बारे में, इस कुरान के बारे में लिखा है, विनोबा भावे जी ने लिखा है कुरान के बारे में, किताबें है पूरी। महाराष्ट्र के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे साने गुरु जी, उनकी किताब है, हाँ उनकी किताबें है, मराठी में लिखी है। और सबसे अहम बात है कि संत तुकाराम जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, उन्होंने अल्लाह पे बहुत बड़ा आभंग भी लिखा है। और वो मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा साहित्य लेके जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे ज्यादा ज्यादा मराठी ऑडियंस भी रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की मूल भाषा है, तो अगर उनकी भाषाओं में उनके द्वारा आप कह रहे हैं महान है इसलिए वो नहीं महान मानेंगे, लेकिन अगर आप उनको बताएंगे कि संत तुकाराम ने कहा है कि अल्लाह कितने महान है, या आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है, या फिर साने गुरु जी ने कहा है, तो ऐसा साहित्य अगर आप लेके जाएंगे तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा मुझे ऐसा लगता है। और इंस्टीट्यूशन खास करके आपने कहा कि मस्जिद में लेके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मस्जिद को लेकर या मुस्लिम बस्तियों में भी आप घुमाइए, क्योंकि हिंदुओं में ऐसा बताया जाता है। अब मैं बचपन से मेरे खास दोस्त मुस्लिम रहे हैं, मैं मुस्लिम बस्तियों के आसपास ही बड़ा हूँ, लेकिन अदर हिंदुओं में बताया जाता है कि मुस्लिम लोग अपने घर में हथियार छुपा के रखते हैं ताकि कभी भी दंगा हो जाए तो आपको मारने के लिए हर मुसलमानों को तलवार रखी जाती है मुसलमानों के घर में। मुझे लगता है कि जो तंग गलियों में मुस्लिम रहते हैं और खास करके गरीबी में रहते हैं, उन लोगों के घर जाके दिखाइए किस हालातों में वो जीते हैं। जैसा हिंदू का गरीब जीता है, क्रिश्चियन गरीब जीता है, वैसा ही या उससे भी बदतर हालत में मुस्लिम गरीब जीता है, उनके घर दिखाइए, मोहरा घुमाइए, नाकपड़ा घुमाइए, ज्योति मैडम ने बताया। तो एक ये जो वहम है कि ये होता है, ये वहम दूर होगा। और तीसरी एक और तीसरी गुजारिश है, ऐसा कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो हिंदू भले मुस्लिमों के बारे में कुछ भी वहम रखे, मुस्लिमों का खाना उन्हें बहुत पसंद आता है, आप मुस्लिम बिरयानी हो या कबाब हो ये सारे, तो आप जब घूमेंगे तो ये मुस्लिम कजिन कैसे बनते हैं ये भी सिखाने के बाद ऐसे महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे, तो पहले ये खाना बनाना सिखाइए और फिर प्रॉफिट के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं क्लैरिफाई करूं, साने गुरुजी की जो किताब है इस्लामी संस्कृति, हम उसको रिप्रिंट कर रहे हैं मराठी में, 50 रुपए की कीमत है, बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी। Because food is ready and you have to go for. ये है दोनों है, दोनों है। आपके बाद डॉक्टर पाटन कर 2-3 मिनट कहेंगे। जी बोलो बेटा, आप बोलो। मेनस्ट्रीम और एक अच्छा जो तजुर्बा आप लेके आगे चल रहे हो उसके लिए पहले हार्दिक बताइए। बट मैं आया तब से सुन रहा हूँ, हम एक जगह तक सीमित हो रहे हैं जहाँ पे मतलब नागपड़ा या गोंडी, मतलब नागपड़ा या गोंडी बाजार यही पे, बट जहाँ पे मुंबई और मुंबई का मेन जो लेबर क्लास आता है और वो भी बाहर से मुंबई में आता है, वो मोस्टली एक तो यूपी से आता है और बिहार से आता है, और उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, और बंगाल के मुस्लिम अभी रिसेंटली उनकी ताजा पड़ी, और वो सारे लोग मानपुर गोवंडी और जो वीरा दिसाई का जो रास्ता है वहां पे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक अवेयरनेस, क्योंकि उनको एक तो कैसा है कि जो चल रहा है अभी, क्योंकि 300 रुपए में हम आएंगे आपके इवेंट के लिए, वो सारा मॉब रहता है जो 300 रुपए में कहीं पे भी बढ़ जाता है, तो उनको एक मेन अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग जो है आप और हम पढ़े लिखे हैं, तो बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर सेक्युलर, बट जो इलिटरेट है वो अभी तक सेक्युलर नहीं हुए बिकॉज ऑफ द मनी, तो वो एक बेसिक अवेयरनेस सोशली और साइकोलॉजिकली उनके साथ हुआ तो और ज्यादा मॉब आपको मिलेगा, यही टिप्पणी थी। थैंक यू। मैं मीडिया के जब अतियों ने जो बातें रखी, बहुत अच्छे सजेशंस हैं, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि पहले मिलते तो कैंपेन को प्लान करने में किस तरह कैंपेन प्लान करने की होती, तो आपके सामने जब वोट ऑफ थैंक्स अली पुजारी रखेंगे, उससे पहले आखिरी स्पीच या अपनी बातें डॉक्टर पाटकर साहब रखेंगे, इज वेरी गुड एवरीवन।
तो मैं सिर्फ बहुत ही शॉर्ट बोलने के लिए डॉक्टर पाटकर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं हमारे भाई जिन्होंने प्रोग्राम आज रखा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आज हमारे गैर मुस्लिम दोस्त जो यहाँ जमा है उनके हाथों में उनके कलम में वो जोर है कि ये बात जो उनकी बात हिमालय की चोटी तक पहुंच सकती है या बंगाल की खाड़ी तक जा सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सब यहाँ आए। थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और कहो कि मेरा बाप कौन था, ये था मेरा दादा कौन था, ये था। 10-15 जनरेशन के बाद आपको कुछ बोल नहीं सकेंगे। उसके बाद आपको एक पता चलेगा, एक नाम अल्लाह ने, एक भगवान ने, अल्लाह जिसका जो उसने एक शख्स बना, उसका नाम आदम। आदम उसके औलाद, फिर उसकी बीवी थे हवा। तो हम लोग सब जो है एक बाप और एक माँ के औलाद है। तो क्या हम सब खूनी भाई नहीं बोले? क्या हम खूनी बहन नहीं हुए? मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, हम कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई है, लेकिन ये तो ओरिजिन आपको बताता हूं। अगर आप आदम का और हवा का अपने माँ बाप समझो तो एक माँ बाप, एक माँ और एक बाप से पैदा होने बने हुए थे। मैं आप जर्नलिस्ट से कहता, आपके कलम में जोर है, आपके आवाज में जोर है। इस पर मैं मोहम्मद सलाम सलाम के बारे में खुद बोलना नहीं चाहता हूँ। दुनिया के बहुत से बड़े लोगों ने उनको बेस्ट, दुनिया के सबसे अच्छी शख्सियत का नाम जिसको दिया है, वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहा। लेकिन हमें बताओ, मैं मुसलमानों से कहता हूं, आप हमसे कितने लोग अपनी जिंदगी में अमल कर रहे हैं? अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें, और भगवान बोलो, तुम्हारा भगवान और हमारा भगवान तो अलग नहीं है, एक हमारा अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह एक नहीं है। मोहम्मद हमारा भी उतना तुम्हारा भी, कुरान जितने हमारा वो तुम्हारे लिए भी कुरान है, पूरे कायनात के लिए कुरान है। ठीक है, आपने हम मुसलमानों को समझने की कोशिश की, मैं हम मुसलमानों ने आपको हमारी बातें बोलने की कोशिश की, आपको वही मुसलमान दिखते हैं अल्लाह और अकबर के नाम से अब किसी की गर्दन काट सकते, आपको वही मुसलमान दिखते हैं कि 10% छोड़ मुसलमान दिखते हैं अधूरा है, 10% 9 टेररिस्ट हम दिख रहे हैं। ये आपको ये नफरत पर, आप अगर नफरत कहते हैं, मैं आप कुछ नहीं कहते, जरूर है हमने नफरत की, फिर हमने वो ही है। मैं मुसलमानों से कहूंगा, आप कुछ मत करो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पे अमल करो। तुम अमल करोगे, हमें बताया गया है मुल्क से मोहब्बत दर ईमान की निशानी है। तो अगर ईमान मुसलमान में नहीं होगा तो कैसा मुसलमान हो सकता है? हमसे कहा गया कि दूसरे धर्मों को तुम बुरा मत कहो। अल्लाह ने कहा, मैंने दुनिया में 1,24,000 मैसेंजर भेजे, वो हिंदुस्तान जैसी जगह को भूल नहीं सकता। आप राम को लो, महावीर जी को लो, गौतम जी को लो, लाखों के अच्छे थे। हम उनकी तस्वीर लगाई है, वो इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, हम वही की पूजा करेंगे जिनकी वो पूजा करते थे, वही भगवान की, वही अल्लाह की। हम अल्लाह अलग नाम से उसको याद कर रहे हैं। मैं भगवान बोला तो मैं हिंदू हो गया, ये अल्लाह बोले तो मुसलमान हो गए, ये गौर बोले तो क्रिश्चन हो गए, सभी एक जैसे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखिए हम आप सलाह के जिंदगी पे उनकी बातों पर अमल करें। आज मैं सब मुसलमानों से कहता हूँ, इस वक्त आ गया है कि आप सुलह होते अभी अभी अमल करो। अब मुझे उससे बोल गए, सुलह होते में क्या चीज थी? जब मक्का और मुसलमानों में जंग चल रही थी तो उन्होंने मक्का वाले से कहा कि हम तुमको 10 साल का टाइम देते हैं। अल्लाह को उनकी हिम्मत इतनी पसंद आई, आइए हम दुनिया को आज उनके बताई बातों पर अमल करने के लिए गए। आओ हम सब मिलकर, आज आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी आवाज दुनिया में चली जाएगी। आज दुनिया में जंगे हो रही है, आपकी आवाज उठाओ
आप सरदार सर ने हमें जो सिखाया जिंदगी से अमल करो कि 10 साल तक आइए हम दुनिया से जंगे खत्म करें, आज 10 साल तक आए हम हर चीज को मैं करें। मैं मुसलमान होने के नाते कहता हूँ आज 130 हिंदुस्तानी जिसमें 25 करोड़ मुसलमान में आते, मेरे मुल्क को अगर किसी पड़ोसी या किसी का अगर खतरा हो तो हम सब अपने मुल्क के लिए ढाल बन जाएंगे। मैं कहता हूँ ये बात लोगों तक पहुंचाओ, आज तुम जर्नलिस्ट हो, मैं कहता ये बात करो अगर मेरे मुल्क के लिए कुछ मुश्किलात है, वो कोई भी हो, पाकिस्तान हो या हमारे कोई पड़ोसी हो, उनको समझाओ। तुम्हें बताया गया है कि पड़ोसी से मोहब्बत करो, एक मर्तबा नहीं, 9 मर्तबा का है। हम तुम्हारे पड़ोसी होते, बड़े पड़ोसी देते हैं, क्या तुम हमसे लड़के, तुम जिस अल्लाह आज वक्त है, महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। मैं मुसलमान मुल्कों से कहूंगा कि भाई अल्लाह के बगैर रसूल की जिंदगी पे अमल करो, आओ हमारे पास, तुम प्यार का हाथ मिला बढ़ा दो, हम तुम्हारे तरफ 10 हाथ बढ़ाएंगे। बस आज मैं चाहता हूँ ये माशाल्लाह आपके जरिए दुनिया तक पहुंचा। थैंक यू, आपके बहुत ही डॉक्टर बहुत मशहूर डॉक्टर है और बहुत सारे सजेशन में पर्सनल ओपिनियन दे रहे थे हमारे बड़े हैं। लास्ट में मैं अली बुचानी से कहूंगा वोट ऑफ थैंक्स कहें और वो भाई की वो बात के खाना खिलाइए तो खाना खिलाया जाएगा। इस देश में संविधान के बाद मुझे किसी पे भरोसा है तो वो मीडिया पे, ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ मैं कसम से, पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट पे भरोसा नहीं है, मीडिया सवाल पूछेगा ना तो सब सही चलेंगे। That is the only reason मैं मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता हूँ। आई हैव अ फेथ ऑन यू, आप जब भी लिखे ना तो इतना सोच के लिखिएगा कि एक आदमी को सच में, मैं बोलने के लिए पॉलिटिशियन बहुत बात बोलते हैं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आई हैव अ फेथ ऑन यू, जब भी लिखे, जब भी बोले, जब भी कवरेज करे तो एक बात देखिए कि आपके जर्नलिज्म में, आपके अंदर जो जर्नलिस्ट है उसके उसमें एक आदमी पर भरोसा है, दैट इज मी। तो बस अगर वो सोचेंगे ना लिखने से पहले तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। मैं सबको इनविटेशन दिया था, सबको इनविटेशन दिया था तो एक डिनर का हमने एक फॉर्मेट में करा था, थोड़ा स्ट्रेच हो गया प्रोग्राम, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी हु हैव टेकन देयर प्रेशियस टाइम एंड केम हियर। बातें बहुत सारी हो गई हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा खाना भी हमारा एंजॉय कर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर द गेस्ट ऑन स्टेज एंड एवरीबॉडी इन द क्राउड, थैंक यू। और हम लोग मिलते रहेंगे, आपको दावत खिलाते रहेंगे।